डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमको आईआईटी मेंस में किस तरह से हाई स्कोर लाना है केमिस्ट्री में। देखिए, केमिस्ट्री में हाई स्कोर लाना बहुत आसान है। फिजिक्स और मैथ के कंपैरिजन में आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा अगर मेहनत बढ़ा देते हैं तो आप बहुत हाई स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दूसरी बात यह भी है कि फिजिक्स और मैथ के कंपैरिजन में केमिस्ट्री जो होता है वो आसानी से लग जाता है, कम टाइम में लग जाता है और ज़्यादा स्कोर आपको दे देता है, तो इस वजह से केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो कुछ 5 साल के क्वेश्चन जो हैं आईआईटी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को देखा, और देखने के बाद में ये चैप्टर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हुए हैं, और ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे 100% क्वेश्चन एक आपको मिला ही मिला है। लगभग 23 चैप्टर्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। 23 चैप्टर मैंने इसलिए भी सेलेक्ट किए हुए हैं कि अभी अपने पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, लगभग 60 डेज जो हैं, लगभग 60 दिन हैं अपने पास में, और अगर हम बढ़िया प्रिपरेशन करें तो हम केमिस्ट्री में 90+ मार्क आराम से ला सकते हैं। तो हम उस पर बात करेंगे, बट उससे पहले अभी जनवरी में जो पेपर हुआ है आईआईटी का, जो पेपर हुआ है वो पेपर जिन स्टूडेंट्स ने दिया है या फिर जिन्होंने देखा है, तो थोड़ा सा मैं उसको समराइज कर दूं। लगभग 11 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने इस पेपर को दिया हुआ था, और इसकी डेट जो थी वो 6 से लेकर 9 जनवरी तक थी, और जहाँ पर 7 to 9 जनवरी जो था वो बी और बी टेक स्टूडेंट्स का था, जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर भी दिया होगा, दिया था, ठीक है ना। तो अब अगर उस पेपर्स को देखें, उन पेपर को अगर आप देखो तो उन पेपर के डिस्कशन में क्या दिखता है कि जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं वो लगभग बराबर आए हुए थे, जबकि फिजिकल का क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आया हुआ था, यानी कि उनमें फिजिकल का वेटेज ज़्यादा था, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज लगभग बराबर था। इसलिए मैंने इनऑर्गेनिक के यहाँ पर सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे वो सारे के सारे लिख दिए। पहले आपको याद होगा कि इनऑर्गेनिक को हम ऐसे ही छोड़ देते थे कि भाई ये रटने वाला चैप्टर है, इनमें इसमें ज़्यादा रटने वाला है, तो उसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देते हैं, ये कौन इतना याद करे यार, छोड़ दो। बट अब इसका वेटेज, और चूंकि उसका वेटेज भी पहले कम था, लेकिन अब इसका वेटेज जो है वो लगभग बराबर आ गया है, इसलिए हम इनऑर्गेनिक को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने पे ये पता चला कि भाई एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के इंडेक्स्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हो, और चाहे वो एनसीईआरटी की थ्योरी से क्वेश्चन हो। तो मेरा पहला सजेशन आपसे ये है कि इन चैप्टर्स के एनसीईआरटी आपको थोरली पढ़ने हैं, और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको जो जो पॉइंट नहीं आते हों एनसीईआरटी पर, वो पॉइंट के नोट्स आप एक लूज पेपर पे लिखेंगे। जो पॉइंट आपको नहीं आ रहे हैं उन पॉइंट्स के नोट्स, क्योंकि जो आते हैं वो तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, बट जो नहीं आते हैं वो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो उनको रिवाइज करना पड़ेगा। और पता भी है आपको कि केमिस्ट्री जो होता है वो फिजिक्स और मैथ से ज़्यादा रिविजन मांगता है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि इन चैप्टर्स के एनसीईआरटी के को आप पढ़ेंगे और उनके नोट्स बनाएंगे। एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो हैं वो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, थोड़ी ट्रिक्स भी हैं और आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। दूसरा कि मैंने जो डिफरेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कई बार वो आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को समराइज करके ट्रिकी वे में क्विक रिवीजन के नाम से दिया हुआ है, तो आप वो यूट्यूब से भी, वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उन वीडियोस से भी आपको फायदा होगा। बाकी के चैप्टर्स के वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेंगे, आपको इस चैनल पे जल्दी दिखाई देगा, और डेफिनेटली आपको फायदा उनसे मिलेगा ही मिलेगा। तो आप स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले आपने एनसीईआरटी को ख़त्म किया, और एनसीईआरटी को यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पर डे आपको क्या करना है, कम से कम 5 घंटे स्टडी करना है। एनसीईआरटी के साथ साथ जो आपके कोचिंग के नोट्स हो या आपने जहाँ से भी तैयारी की हो आप वो नोट्स भी रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने 23 चैप्टर्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं ये आपको मानता हूँ कि ऑन एवरेज हम दो दिन जो है वो एक चैप्टर के लिए रख लेते हैं। कुछ चैप्टर्स आपके जल्दी भी हो जाएंगे और कुछ चैप्टर में आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा, बट अगर हम 2 चैप्टर को मान के चलते हैं तो 2 दिन मान के चलते हैं पर चैप्टर के लिए, तो 46 डेज में हम इसको खत्म कर ले जाएंगे। 46 डेज के बाद आपको करना क्या है कि जो आईआईटी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करेंगे,
आप थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, अब आप क्वेश्चन से ही थ्योरी को रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ अपना 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट आप जरूर रखेंगे। उस मॉक टेस्ट से आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको एक आईआईटी मेंस की फीलिंग आएगी कि पेपर में जब आप बैठेंगे तो जो प्रेशर आएगा आपके ऊपर वो किस तरह से आएगा। इसके लिए आप एक रूम में बंद हो सकते हैं, अपने मोबाइल पे अलार्म लगा सकते हैं और आराम से बैठ के आप पेपर दे सकते हैं। आईआईटी से पहले आईआईटी का एनवायरमेंट लेना भी बहुत जरूरी होता है और ये फीलिंग जरूरी है, तो मॉक टेस्ट से आपको ये फीलिंग आएगी तो आप मॉक टेस्ट लगाइएगा जरूर। लगभग 14 डेज आपके पास रहेंगे और मुझे अगर आपने 10 पेपर भी लगा लिए, 10 मॉक टेस्ट भी लगा लिए, तब भी आपको इसका फायदा मिल जाएगा। तो एक तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, उससे पहले आप एनसीईआरटी और प्लस आपके जो कोचिंग के नोट्स हों या जो भी नोट्स होंगे वो नोट्स आप उसको भी रिवाइज कर लेंगे और रिवाइज करके देख लेंगे। अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है तो 2 दिन सफिशियंट है पर चैप्टर के लिए और आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट को लूज पेपर पे लिखने का मैंने जो मेथड बताया वो इसलिए बताया क्योंकि लूज पेपर का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अगर मैं आपको एक 50 पेज की कॉपी दे दूं पढ़ने के लिए तो आपको बहुत भारी लगेगी, आपको लगेगा यार इतना सारे रिवाइज करना है, लेकिन आप एक एक पेपर करके 50 पेज पढ़ ले जाएंगे क्योंकि उस समय सिर्फ आपके सामने एक पेपर होता है और आपको लगता है यार ये तो जल्दी हो जाएगा। मेरे कुछ स्टूडेंट जो है वो सेलो ग्रिपर पेन का भी यूज करते हैं, उसका पॉइंट पतला होता है और वो क्या करते हैं कि एक ही पेज पे 2-3 चैप्टर के नोट्स बना लेते हैं तो उससे उनको और फायदा मिलता है। तो ये इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज कर ले जाएंगे। चलिए हम चैप्टर्स को देखते हैं। चैप्टर्स को अगर आप देखेंगे तो इनऑर्गेनिक को मैंने सबसे पहले रखा हुआ है और इनऑर्गेनिक में अगर आप देखेंगे तो क्लास 11th जो है उसमें पीरियोडिक टेबल आती है, इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग है, इसके अलावा एस ब्लॉक है, फिर पी ब्लॉक है, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली है। यहां पे आप देखिए कि मैंने 5 साल की जो क्वेश्चंस पेपर को देखा है उनमें ये है कि 11th का वेटेज जो है वो 12th से कम है, यानी 11th के क्वेश्चंस कम आते हैं और 12th से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि जो पी ब्लॉक है 11th का और जो पी ब्लॉक 12th का है, तो 12th का पी ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसके, 11th के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली जो है इनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, इनके ऑक्सी एसिड है, उनके स्ट्रक्चर है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन है, कहाँ पर बॉन्ड परऑक्साइड होगा, कहाँ पर SOS बॉन्ड होगा, कहाँ पर POP बॉन्ड होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे। साथ ही इनकी केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन मिलेंगे। इनऑर्गेनिक के केमिकल रिएक्शंस का जहाँ तक सवाल है तो आप एक काम करेंगे कि इन केमिकल रिएक्शंस को जो NCERT में दी हुई हैं उन केमिकल रिएक्शन को एक लूज पेपर पर लिखेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। पहले भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि केमिस्ट्री रिवीजन आपसे मांगता है, फिजिक्स और मैथ के कंपेरिजन में केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा रिविजन मांगता है और अगर आपने प्रॉपरली रिवाइज कर लिया तो 100% आप 90+ जाएंगे। मेटलर्जी से पहले क्वेश्चन कम बनते थे लेकिन आप बनते हैं, यहाँ पर आपको मेटलर्जी से क्वेश्चन मिलेगा। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 100% क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो इसका CFT से क्वेश्चन आए, चाहे आइसोमेरिम से आए। यहाँ पर आइसोमेरिम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिम, ऑप्टिकल आइसोमेरिम है और इसके साथ में IUPAC नॉमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा ब्रिज बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा आप देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, इन सबसे आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हैं तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और ऑक्सीडेशन नंबर है, इसके अलावा आपको एटॉमिक रेडियाई, इन सबसे क्वेश्चंस मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में अगर आप देखेंगे तो GOC
जीओसी में अगर आप देखेंगे तो जीओसी सेकंड से ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स मिलता है, रिएक्शन मैकेरिन मिलती है, इन सबसे ज्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पीके वैल्यू पीके बी वैल्यू इन सबसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आता है, ये जान है ऑर्गेनिक की, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन से ही अगर तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है या फिर हाइड्रोकार्बन उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, तो उससे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा हैलोएलिगेंस हैलोरिन्स और कार्बन कंपाउंड, यहाँ पर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा। कार्बन कंपाउंड में क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलता है कि आपको टॉलिंग रिएजेंट का टेस्ट है, वेरिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो ये टेस्टिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटर कन्वर्जन का मिलता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में हीटिंग इफेक्ट का मिलता है, यहाँ पर CO2 गैस जो होती है वो रिलीज हो रही होती है, कार्बन शॉर्टनिंग प्रोसेस हो रही होती है, उससे रिलेटेड है। बायोमॉलिक्यूल में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पॉलीमर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे भी आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर एग्जाम्स में देखा गया है, ज्यादातर ईयर्स में देखा गया है, ये क्वेश्चन कम से कम आया ही आया है, तो इस चैप्टर को भी हमें नहीं भूलना है। अब हमको ऑर्गेनिक की तैयारी कैसे करनी है, ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखेंगे एनसीईआरटी से आप क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे, साथ में अपने कोचिंग के नोट्स जो है वो भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना, उसमें उसके साथ में देखिए कोचिंग के नोट्स में आप लगातार उसको पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, तो उनमें थोड़ा सा कम होगा, उनमें आपको कम टाइम लगेगा, बट एनसीईआरटी हो सकता है कि आपसे बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ी ही ना हो, तो आपको मेन टाइम वहाँ पर यहाँ पर मुझे जो लगता है वो एनसीईआरटी आप देंगे और उसके बाद आप अपने नोट्स को देखेंगे। एक बार मैं आपको और बता दूं कि एनसीईआरटी से 70-80% क्वेश्चन आए ही आए हैं, तो इसलिए आप एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिएगा बिल्कुल भी, एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िएगा, टेक्स्ट से भी क्वेश्चन बने हैं, एक्सरसाइज से भी बने हैं, इन टेक्स्ट से भी क्वेश्चन बने हैं, एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, साथ में अपना कोचिंग का मटेरियल जो भी है या जो भी आपके पास में सेकेंडरी मटेरियल है वो आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटजी ये बता दूं कि आप क्या करेंगे कि जो भी रिएजेंट्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन है, देखिए रिएक्शन नेम रिएक्शन से रिएक्शन नहीं आती है, ज्यादातर आपको ए बी सी डी से आती है, इसने इसके साथ रिएक्शन किया ए बना, इसके साथ रिएक्शन किया बी और सी बना, तो आपको करना क्या है कि रिएजेंट के फंक्शन को ध्यान रखना है कि रिएजेंट का फंक्शन क्या है और साथ में कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, तो इस तरह को आप देखेंगे। तो जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे और साथ में रिएजेंट के फंक्शन को ध्यान रखेंगे तो मान लीजिए कि आप ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस को लगा ले जाएंगे। बाकी बायोमोलिक्यूल पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो स्ट्रेट वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं है, तो आप सीधे सीधे इनकी थ्योरी को पढ़ के देख सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला अगर हम देखें फिजिकल का, तो फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि मोल जो है वो तो अनमोल है और उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट आपको याद हो कि आप इलेवेंथ में जब आते हो, अगर आप इंस्टीट्यूट में आते हो या कोचिंग वगैरह में पढ़ने आते हो या आप स्कूल में भी जाते हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मोल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराई जाती है, इस वजह से कि आप इससे अच्छे से ग्रो थ्रू हो जाए, जैसे कि आगे का काम इजी हो जाए, आगे की कैलकुलेशन वगैरह जो है वो आप आसानी से कर सकें, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आएगी। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री में आपको थोड़ा थर्मोकेमिस्ट्री इजी लगता है, थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो आपको थोड़ा इजी लगता है, थर्मोडायनेमिक्स से भी आप क्वेश्चन कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना, तो इसको गो थ्रू होना ही होना है। इसमें पीएच है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, इसके अलावा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इन सबसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर आप देखेंगे तो ली चैटले प्रिंसिपल जो है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको समझ आता है कि दिक्कत नहीं आती है, ना केमिकल ना फिर आयनिक पे आती है, ठीक है, आराम से क्वेश्चन ये वाले लग जाते हैं। उसके बाद में सॉल्यूशंस चैप्टर की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, इन सबसे आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में या तो ग्राफ आपको दिया जाता है या फिर आपको ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है या डायरेक्ट जो होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है आप इसको लगा लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, थ्योरेटिकल चैप्टर है और आपको जब आप इसको पढ़ेंगे या आपने पढ़ा है तो आपको एक कहानी की तरह लगता है ये चैप्टर, ठीक है ना, तो आप आराम से इसमें जो होता है वो हाई स्कोर गेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप आईआईटी मेंस का पेपर देने वाले हैं ना कि एडवांस का,
तो जब मेंस का पेपर देने वाले हैं तो आपकी स्ट्रेटजी भी मेंस के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है, और उस हिसाब से आप इसको करेंगे। और इसमें मुझे जो लगता है कि एनसीईआरटी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो एनसीईआरटी को आप इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। साथ में जो आपका स्टडी मटेरियल जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ लेंगे, साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी पढ़े हुए हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं आप उनको देख लेंगे। जो क्विक रिविज़न है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम्स के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कंसाइज फॉर्म में और ट्रिकी वे में दिया हुआ है। साथ ही कुछ चैप्टर्स के एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया हुआ है। एक आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने आपको 23 चैप्टर्स दिए हैं, 46 डेज में आपको इसको ख़त्म करना है, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स के आईआईटी के पेपर्स को लगाना है, और साथ में आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना होगा। अगर ईमानदारी से आप अपने लिए मेहनत करेंगे, अपने लिए मेहनत करेंगे मतलब अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत से किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है, तो अपने लिए मेहनत करनी है, ज़बरदस्त मेहनत करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका 100% फायदा होगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जब रिजल्ट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा और इस वीडियो का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ा। थैंक यू वेरी मच।